टॉप 10 मिथ्स इन कारफोर सेल सिमुलेटर। तो हाँ गाइज यार, काफी टाइम बाद वापस से आ चुकी है कारफोर सेल की वीडियो। और गाइज आज के जो भाई मिथ्स है ना भाई, एक से बढ़कर एक है। और गाइज लिटरली में आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो अगर आपको भी कारफोर सेल के मिथ्स एंड ग्लिचेस की वीडियो पसंद आती है तो जल्दी से आप भी ग्लिचेस एंड मिथ्स को कमेंट कर दो इस वीडियो के नीचे। बाकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। मिथ नंबर 1, आप गैराज में एक साथ 4 गाड़ी को रिपेयर करवा सकते हो। भाई ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है, 4 गाड़ी किसे कहते हैं भाई, एक साथ रिपेयर। ओके गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो सामने की तरफ मैंने 2 गाड़ी ऑलरेडी रिपेयरिंग में लगा चुका हूँ। और मैं आपको दिखा भी देता हूँ माइकल के पास जाकर के, भाई रिपेयरिंग में आ रही है या फिर नहीं। ये देखो रिपेयरिंग में आ रही गाड़ी, लेकिन अगर मैं बाहर रखी इन दोनों कार को रिपेयरिंग में डालने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पर ऑप्शन जो है लॉक्ड आता है, ठीक है, बिकॉज पहले से 2 गाड़ियां वहां पर रिपेयरिंग में पड़ी हुई है। लेकिन भाई ने बोला है कि हम एक साथ 4 गाड़ी को रिपेयर कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं एक ट्रिक लगाने वाला हूँ। तो मैं चारों गाड़ियों को ये जो बॉक्स दिख रहा है ना, इस बॉक्स के अंदर रखूंगा, क्योंकि गाइस इसके अंदर रखने पर ही मतलब यहाँ पर रिपेयरिंग का ऑप्शन आ जाता है। जैसे कि अभी देखो मैंने भाई ये एकदम लैंडस्केप में रखी यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर रिपेयरिंग का ऑप्शन आ रहा है और ये कार अपने आप सीधी हो जाती है। तो ऐसे ही करके मैं 4 गाड़ियां बॉक्स के अंदर भर दूंगा, मतलब 2 गाड़ियां इस बॉक्स के अंदर और 2 गाड़ियां उस बॉक्स के अंदर, फिर देखते हैं यहाँ पर रिपेयरिंग होती है या फिर नहीं 4 गाड़ी। तो देखो गाइस यहाँ पर मैंने चारों गाड़ियों को मतलब 2-2 करके बॉक्स में डाल दिया है। तो यहाँ पर टेस्ला और ये सारी गाड़ी आप देख सकते हो, पोर्शे वगैरह। तो चलो अब इनको रिपेयर करवाते हैं और देखते हैं एक साथ यहाँ पर 2 गाड़ियां रिपेयर होती। अभी ये क्या हुआ? अरे यार एक गाड़ी मेरे ख्याल से सीधी हो चुकी है और दूसरी को उसने बाहर फेंक दिया भाई बॉक्स से। और यहाँ पर अरे यार इसमें तो ODR8 भाई पहले से रिपेयर्ड है, इसको ठोकना पड़ेगा पहले। भाई यहाँ पे तो ठोकने का भी स्पेस नहीं है। लो भाई डैमेज ही नहीं हुई यार, इतनी जोर से ठोका फिर भी। चलो भाई डैमेज हो। अबे ये क्या यार, ये कार भी साथ में आ गई इसके। लेकिन कोई बात नहीं, 3 गाड़ियां एक्सबॉक्स में खड़ी कर दी है। अब देखते हैं गाइस क्या ग्लिच होता है या फिर रिपेयरिंग होती, नो आइडिया। अबे भाई इनके शॉप में गाइस मैंने तबाही मचा दी यार। ओ भाई वो देखो सामने वाली कार ग्लिच हो रही है पूरी, बैठ गई। तो नहीं यार, एक टाइम पर मतलब एक ही गाड़ी आप रिपेयर कर सकते हो। हो सकता है पुराने वाले अपडेट में चीज वर्क करती हो, लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा। तो ये वाला मिथ बस्ट है। नेक्स्ट मिथ, अगर आप कार को रिवर्स लेते टाइम नोस यूज करोगे तो कार की रिवर्स स्पीड भी बढ़ जाएगी। ओके गाइस, अभी हम आ चुके हैं फॉरेस्ट में और सबसे पहले हम नॉर्मल रिवर्स स्पीड को चेक करेंगे, उसके बाद NOS लगा के देखेंगे भाई स्पीड वाकई में बढ़ती है या फिर ये एक मजाक है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो यहाँ पर स्पीड देखो इंक्रीज हो रही है रिवर्स में, और रिवर्स में नॉर्मल स्पीड कितनी जाती है ये भी चेकआउट कर लेंगे। ओके 90 किलोमीटर जा चुकी है और 100 भी होने वाली है। बस हो गई 100, 102, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 से ज़्यादा नहीं जा रही गाइज। चलो गाइज अब बारी यहाँ पर नोस यूज़ करने की और देखते हैं भाई इसकी एक्चुअल स्पीड नोस लगाने के बाद कितनी जाती है। भाई वाकई में स्पीड बढ़ रही है, जबकि NOS लगाने के बाद गाड़ी आगे जानी चाहिए, लेकिन ये पीछे में स्पीड बढ़ रही है भाई नोस से। ये काफी यूनिक चीज है। मतलब गाइज ये देखो रिवर्स में कितनी स्पीड हो चुकी है, 183 पहुंच चुकी है गाइज। और लगातार मैं मतलब नोस यूज करता जा रहा हूँ भाई, ये 200 किलोमीटर चली जाएगी मुझे लग रहा है जहां तक। भाई बढ़ते ही जा रही स्पीड, 200 किलोमीटर गाइज, 200 लास्ट से ऊपर जा ही नहीं रही थी। भाई यार रिवर्स में भी इतनी स्पीड जा सकती है क्या भाई, आज पता चला गाइस। मैं ओनली गाइस कारफोर सेल की बात कर रहा हूँ, दूसरे गेम का मुझे नहीं पता। बाकी गाइस ये वाला जो मिथ है ना कंफर्म्ड है। नेक्स्ट मिथ, आप कैंपर नाम की वैन के अंदर सो सकते हो, मतलब स्लिप हो सकते हो। भाई मजाक तो नहीं कर रहा ना, बिकॉज वैन के अंदर स्लिप करना भाई बहुत बड़ी बात है, गेम मतलब पूरा क्रैक्ड हो जाएगा एक तरह से। तो फाइनली गाइज काफी ज्यादा इंतजार करने के बाद मुझे ये वाली वैन मिल चुकी है। मैं आपको इसका नाम भी बता देता हूँ, ये देखो गाइज ये कैंपर वैन है और इसका पूरा नाम है चेवलेट कैंपर। तो यार $12,000 में मिल रही, जल्दी से परचेस करते हैं और लेकर चलते हैं अपने ऑफिस में और देखते हैं भाई इसके अंदर हम स्लिप कर सकते हैं या फिर नहीं। वैसे स्लिप हम 12 बजे के बाद ही कर पाते हैं इस गेम के अंदर और 12 बज चुके हैं। ओके गाइज अभी हम आ चुके हैं यहाँ पर ऑफिस में और ये रही अपनी कैंपर, और यहाँ पर देखते हैं कोई स्लिप का ऑप्शन आ रहा है या फिर चारों तरफ देखेंगे। तो यहाँ पर भी कार का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर भी कार का ऑप्शन एंटर का ऑप्शन आ रहा है, सॉरी यहाँ पर एंटर हो गया लेकिन स्लिप नहीं हुआ यार। यहाँ पर भी कार का, यहाँ पर भी कार का, ये दरवाजे के पास भी कार, भाई चारों तरफ कार का ऑप्शन ही आ रहा है। इसके ऊपर जा सकता हूँ क्या मैं? ऊपर भी कोई दरवाजा हो तो क्या पता यार। भाई यहाँ पर चारों तरफ घूम ले, इसके अंदर क्या है वैसे? ये तो पूरी की पूरी खाली पड़ी, बेड वगैरह भी नहीं है, इसके अंदर सोएगा कहाँ पर अपना कैरेक्टर? भाई ये देखो दरवाजे के पास भी कार का ऑप्शन ही आ रहा है और कार में तो खाली इन्फॉर्मेशन होती है, इसकी कुछ खास तो मुझे दिख नहीं रहा यार। ना इसके ऊपर जा सकते हैं अपन लोग, एक काम करते हैं मैं ऊपर जाकर देखता हूँ एक्चुअल में इसके ऊपर है क्या।
क्योंकि लिफ्ट है ना अपने पास, लिफ्ट कब काम आएगी। अरे लिफ्ट कहाँ पर, अच्छा यार लिफ्ट तो ऊपर गई हुई है, मैं नीचे खड़ा हूँ। ओके आ गई लिफ्ट। क्या पता गाइस इस कैंपर वैन के ऊपर से जाने का कोई रास्ता हो, अंदर की तरफ देख लेते हैं फटाफट से ऊपर। अबे ऊपर चलना यार, ये भी ग्लिच है क्या यार, क्या मजाक चल रहा है। चलो भाई अब चलते हैं इस कैंपर वैन के। ओ ये रहा दरवाजा भाई, यहाँ से रास्ता नहीं यार, यहाँ से भी नहीं जा सकते भाई, कोई भी रास्ता नहीं है इसके अंदर जाने का, फालतू में मजाक कर रहे थे। एक काम करते हैं, रात होने का वेट करते हैं फिर देखते हैं। चलो भाई काफी वेट करा रात होने के लिए, और देखो गाइस अब देखते हैं भाई इसके पास जाने पर कोई ऑप्शन आ रहा है अंदर जाने का, स्लिप करने का। नहीं यार भाई सारे ऑप्शन ट्राई कर लिए मैंने, बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं आ रहा है यार। मैं तो काफी शोक हो गया था, लेकिन भाई ये वाला मिथ बस्ट है, रेयर मिथ। 12 बजे वाले ऑक्शन में 100% एक कार मिलती है, मतलब रेयर कार मिलती है। चलो भाई ये भी आजमा लेते हैं। ओके गाइस जैसे कि आप देख सकते हो 4-5 दिन वेट करने के बाद फाइनली यहाँ पर 12 बजे वाला ऑक्शन लग चुका है, और मैं ऑक्शन पे सही टाइम पर भी आ चुका हूँ। जल्दी से यहाँ पर टिकट परचेस करते हैं और देखते हैं भाई यहाँ पर कौन सी कार आती है, मतलब कौन सी रेयर कार आती है। वैसे यहाँ पर फरारी आने के 1% चांसेस है, जैसे कि आप बोर्ड पे लिखा देख सकते हो, इन गाड़ियों के माजदा भी है भाई। ओके यहाँ पर पहली कार सुपर आ चुकी है यार, बाकी ये कोई रेयर कार नहीं, आप सभी को पता है कार मार्केट और नेबरहुड में इजीली मिल जाती है सुपरा। तो हमें वेट करना है इन चार गाड़ियों का, क्या इन चार गाड़ियों में से कोई एक रेयर कार अपने को मिलेगी। वैसे गाइस अभी मैंने 2.5 का अपडेट करा और ये ऑक्शन कितना फास्ट हो रहा है यार, पहले बहुत टाइम लगता था इसमें लेकिन ये सिस्टम काफी सही लगा मुझे। चलो फास्ट फास्ट यहाँ पर गाड़ियां निकलेगी बाहर। ओके ये तो खटारा गाड़ी आ गई यार, चलो लास्ट गाड़ी का वेट करते हैं। ओके गाइज अब लास्ट कार आने वाली है, काफी ज्यादा वेट हम लोगों ने कर लिया है, देखते भाई कौन सी रेयर कार निकल। अबे यार भाई ये तो खटारा गाड़ी निकल गई, मैं तो रेयर कार का सोच रहा था और 12 बजे वाले ऑक्शन में ही मैं आया था यार, लेकिन जैसा सोचा यार वैसा नहीं हुआ। तो भाई ये रैंडमली वर्क करता है, मतलब कोई से भी ऑक्शन में रेयर कार निकल सकती है और कोई से में नहीं निकलती है, तो भाई एकदम रैंडम रहता है। तो ये वाली मिथ बस्ट है। नेक्स्ट मिथ, कार फॉर सेल में कस्टमर के एकदम नजदीक जाते हो तो उसके माउथ के अंदर के पार्ट दिखते हैं, दांत टंग एक्सेट्रा, बट गले के नीचे का पार्ट ब्लैक आ जाता है, कैमरा ध्यान से एडजस्ट करना होगा। तो ओके गाइज मैंने एक कार को सेल पे लगा दिया और लिटरली मैंने इसको $1 पे सेल पे लगाया, मुझे बस कस्टमर का इंतजार करना है, कार को सेल नहीं करना है, बिकॉज कस्टमर के माउथ के पार्ट देखने हमको, भाई मैं क्या बोल रहा हूँ यार। ओके गाइज एक आंटी जी आ चुकी है, चलो पीछे से, अरे गलत मत समझना गाइज, मैं बस मिथ को ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे। चलो भाई हल्के हल्के से ओ भाई ये देखो गाइज अंदर का पार्ट भाई, गलत मत समझो यार। अरे अरे भाई क्या दिखा रहा है, अरे आगे चल थोड़ा और, बस ठीक है ठीक है। अरे यार नहीं दिख रहा है भाई, ये ध्यान से करना पड़ेगा यार, सही बोला था वो आराम से। भाई ये देखो कितना डरावना लग रहा है ये, अरे भाई 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 एक और कस्टमर आ गई सामने, ये देखो इसकी आंखें के ऊपर चश्मा, भाई ये क्या है भाई कितना डरावना, ये देखो गाइस दांत जीप होट और आंखें आई बोल बना दी पूरी और चश्मा लगा हुआ उसके ऊपर, और गले का नीचे का पार्ट वाकई में ब्लैक है गाइस इसके, अरे नीचे नहीं देख सकते, अरे देखना भी नहीं है हमको भाई यार ये क्या है। वो क्योंकि मैं एकदम है ना परफेक्ट खड़ा हूँ, बिल्कुल इस लेडी के अंदर आ चुका हूँ गाइस, मैं बिल्कुल अंतर आत्मा बन चुका हूँ मैं। अब चलो यहाँ पर इसके भी ट्राई, अरे मतलब अंदर घुस, अरे यार मैं क्या बोल यार तुम समझ जाओ यार तुम। ओके भाई इसका चेहरा तो कुछ ज्यादा ही बड़ा है अंदर से, ये देखो ये तो उससे भी ज्यादा डरावनी लग रही यार, अगर हम सामने से जाए तो कुछ अलग दिखेगा क्या। आई बॉल्स यार ढंग से नहीं देखी थी मैंने, एक सेकंड रुक जाओ। ओके गाइस ये देखो आई बॉल्स के ऊपर आपको हल्की हल्की सी ये चमड़ी भी दिखाई देगी, ये देखो यहाँ पर, तो काफी डरावनी चीज है ये गाइस, आप भी ट्राई कर सकते हो, गेम है तो आपके पास। अरे भाई भाई साहब यार ये खतरनाक डिटेल बनाई है, बट आप सभी को पता है ये लोग ना बोलते ही नहीं है, मतलब माउथ का कोई एनिमेशन नहीं है फिर भी माउथ ऐड कर दिया पता नहीं क्यों। बाकी गाइस ये वाला मिथ कंफर्मड है। नेक्स्ट मिथ, अगर आप कोई कार को $999,901 में सेल पे लगाते हो तब ओडी R8 को उसके ऊपर चढ़ा दो, और जो कार आपने $999,901 में सेल पे रखी थी उस कार को चला सकते हो। तो भाई ने बोला कि भाई कार के ऊपर कार को रखना है और दिस इज नॉट ईजी, आप सभी को पता है मैंने पहले भी ट्राई किया था, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 ग्लासेस लगाए हैं और पोर्चे को यहाँ पर फंसा दिया है, और जैसे कि आप देख सकते हो गाइस मैं कांच के आर पर मतलब गाड़ी के अंदर बैठ पा रहा हूँ, और मतलब पोर्चे यहाँ पर पूरी फंसी हुई है, इसके ऊपर मैं ओडी R8 को चढ़ा भी दूंगा तो भी वो गिरेगी नहीं। तो अब जल्दी से भाई ने जो नंबर चीट कोड बताया था ना, क्योंकि गाइस वो जो प्राइस है ना एकदम चीट कोड जैसा ही लग रहा है, तो जल्दी से लगाते हैं 999,901, लग रहा है कि नहीं चीट कोड जैसा।
तो चलो इसको सेल पे लगाते हैं और जल्दी से ODR8 को पोर्स के ऊपर चढ़ाते हैं और देखते हैं हम पोर्स को चला पाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि ये वाला जो ग्लिच है या फिर जो मिथ है ना, पहले भी एक भाई ने कमेंट करा था लेकिन वो वर्क नहीं करा था। मैंने पहले भी गाड़ी को ऊपर चढ़ाने की कोशिश करी थी लेकिन काम नहीं करा था। तो अब यहाँ पर देखो लिफ्ट को ऊपर लेके जा रहा हूँ मैं और वापस नीचे लाते वक्त मैं ओडी को जोरदार धक्का मारूंगा पोर्स के ऊपर। जल्दी 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 चल भाई। बस तो हमारी ODR8 सक्सेसफुली पोर्स के ऊपर जा चुकी है। ये तरीका बहुत ही सही था भाई, ये चीज मैंने पहले क्यों नहीं सोची। तो चलो अब चेक करते हैं, भाई ने बोला था कि यहाँ पर पोर्च। ओ भाई एंटर का बटन, अरे नहीं यार ये तो ओडी में बैठा है। भाई मुझे लगा पोर्च में बैठेगा, भाई यार नीचे एंटर का बटन आ रहा था। ये देखो ऐसा लग रहा है कि पोर्च में आ रहा है लेकिन ये ODR8 का बटन है भाई। क्या यार यहाँ पर फिर से मुझे बेवकूफ बना दिया भाई लोगों ने। यहाँ पर नीचे तो यार देखो कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा, मैं ट्राई कर रहा हूँ एंटर बटन आ जाए पोर्चे का लेकिन नहीं आ रहा है। बिकॉज गाइस पोर्चे ना सेल पे लगाई हुई और सेल पे लगी हुई गाड़ियों का कोई भी बटन नहीं आता एंटर करने का। लेकिन भाई ये ग्लिच अगर वर्क कर जाता तो मजा आता। काम करते हैं यहाँ से ग्लासेस को हटा देते हैं। चलो भाई डिलीट करो इसको। अभी डिलीट क्यों नहीं हो रहा यार, एक सेकंड कैमरा एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके अब हो जाएगा ना। ओके हो गया हो गया, सारे ग्लासेस हटा देता हूँ। जल्दी 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 ओडी नीचे गिर जाएगी। अबे जल्दी चढ़, जल्दी बैठ, अंदर बैठ। नहीं आ रहा गाइस, ऑप्शन नहीं आ रहा, मुझे लगा आ जाएगा इस बार। तो भाई ये वाली जो मिथ है बस्ट है। मिथ, अगर आप गैस स्टेशन में जनरल स्टोर के साथ कार लगाकर उतरोगे तो आप उसके अंदर चले जाओगे। ओके अभी हम आ चुके गैस स्टेशन पर, लेकिन भाई जनरल स्टोर कौन सी है ये पता करते हैं। एक सेकंड भाई यहाँ पर ये स्टोर है यार, मैंने इसके ऊपर पहले ध्यान दिया ही नहीं कि यहाँ पर स्टोर और ग्लास के आर पार देख भी सकते हैं हम लोग। ये देखो, अरे यार भाई साहब ये देखो पूरी स्टोर है। मुझे क्या लग रहा था ऐसी पिक्चर लगी होगी खाली, लेकिन अंदर से बकायदा यहाँ पर अपन अंदर देख सकते हैं भाई, एकदम एक्यूरेट सामान वगैरह भी अंदर पड़ा हुआ है। तो चलो भाई इस स्टोर के अब अंदर जाने वाले हैं हम लोग। क्या लगता है इसके अंदर जा पाएंगे या फिर नहीं, सारी मुमकिन कोशिश करेंगे, सब कुछ ट्राई करने वाले इसके अंदर जाने के लिए। तो ये सबसे बेस्ट तरीका, आप जल्दी से कैरेक्टर को उतारते हैं और देखते हैं शॉप के अंदर हम जा पाते हैं या फिर नहीं। नहीं यार भाई ये अटक कैसे गया कार में। एक सेकेंड दूसरी जगह से ट्राई करते हैं। प्लीज प्लीज शॉप के अंदर चला जा प्लीज। गाइस पता नहीं ये कार चिपक क्यों नहीं रही यार, ये देखो भाई दीवार के पूरी चिपक ही नहीं रही यार, मैं जा ही नहीं पा रहा अंदर की तरफ, ये बाहर ऐसे निकाल दे रही भाई हवा में। चलो गाइस अपनी दूसरी ट्रिक आजमाते हैं, अपन कार से ही कैमरा अंदर करके देखने वाले। भाई ये देखो गाइस फुल HD में सामान पड़ा है पूरा। ये देखो गाइस मैं 100% श्योर हूं कि यहां पर पहला कुछ ना कुछ काम होने वाला था गेम के अंदर, लेकिन भाई पता नहीं क्यों इसको बंद कर दिया है। अगर ये शॉप ओपन होती ना गाइस तो यहाँ से अपन कुछ ना कुछ सामान परचेज जरूर कर पाते। ये देखो गाइस चिप्स के पैकेट वगैरह सब कुछ पड़ा है यहाँ पर, कॉफी मशीन वगैरह। भाई साहब एकदम रियलिस्टिक दुकान बनाई हुई है। हो सकता है गाइस फ्यूचर के जो अपडेट्स आ रहे हैं उसके अंदर इस दुकान को खोल दिया जाए, और अगर नहीं खोला तो गाइस आप कमेंट में मुझे ना ट्रिक बताना इस शॉप के अंदर जाने की, कैसे जा सकते हैं, मतलब अलग अलग तरीके आपको पता हो तो कमेंट में कर देना, मिथ वगैरह जो भी है गाइस, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए इस दुकान के अंदर हम नहीं जा सकते, जबकि भाई का बोलना था कि हम अंदर जा पाएंगे, तो ये वाला मिथ बस्ट है। मिथ, आप स्टेशन वैगन खरीद कर ऑटो ट्यूनिंग में जाओ, उसके बाद ड्रिफ्ट किट लगाओ और देखो साइज बड़ा हो जाएगा, मतलब गाड़ी का साइज बड़ा हो जाएगा। तो यार इस कार को ढूंढते ढूंढते सदियां बीत गई लेकिन ये कार मिलके नहीं दे रही भाई। एक सेकंड, ओ मिल गई भाई, यही है ना, प्लीज जल्दी जाकर चेक करता हूँ, प्लीज प्लीज यही हो यार। ओ भाई मिल गई स्टेशन वैगन, बट इसका जो पूरा नाम है ना वो अलग है यार, पूरा नाम है राडा राज स्टेशन भाई, राजा रानी रख लेते इससे बढ़िया। तो चलो भाई इसको बेचते हैं अपने रिपेयरिंग शॉप पर फटाफट और अपन भी चलते हैं जल्दी से। ओके तो भाई ने बोला था कि भाई स्टेशन वैगन को लेके जाना है, मतलब ट्यूनिंग कराने, और वहां पर हमें ड्रिफ्ट किट लगाना, तब इसका साइज बड़ा हो जाएगा, मतलब कि बाकी गाड़ियों से बड़ी हो जाएगी। भाई ये मुझे देखना काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। अगर गाइस ये वाला मिथ कंफर्मड हो गया ना तो भाई लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर देना, ठीक है। तो चलो भाई जल्दी से चलते हैं ऑटो ट्यूनिंग में, उतरो और लगाते हैं यहाँ पर। भाई यहाँ पे तो कुछ लगा ही नहीं सकते, सिर्फ रेसिंग किट और ड्रिफ्ट किट लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, एक सेकंड, गाड़ी का साइज इंक्रीज हुआ क्या? नो आइडिया गाइस, बाहर लेके चलते हैं पोर्चो के पास और देखते हैं भाई कितनी साइज में। नहीं यार ये नॉर्मली लग रही मुझे तो, बिकॉज वो जो बंदा खड़ा था उससे भी छोटी थी यार ये कार। नहीं यार नॉर्मल साइज है ये तो। तो गाइस मुझे लग रहा है कि ये ग्लिच जो है ना पुराने अपडेट में वर्क करता होगा। चलो पुराना वर्जन ओपन करता हूँ मैं, लेकिन हाँ उससे पहले एक और चीज मुझे करानी पड़ेगी भाई। सबसे पहले मुझे ड्रिफ्ट किट हटाना पड़ेगा, बिकॉज ये वाला ग्लिच आई थिंक ड्रिफ्ट किट में ही वर्क कर रहा है।
तो इसको पहले हटा दें, रेसिंग किट लगा देते हैं। चलो ठीक है, अब इस गेम को सेव करते हैं और मैं पुराना वर्जन ओपन करता हूँ, देखते भाई उसमें कैसे परफॉर्म होता है। ओके गाइज, मैंने ओल्ड वर्जन ओपन कर लिया, नीचे आप देख सकते हो 2.2 खेल रहा हूँ अभी मैं। चलो भाई अब इसके अंदर जल्दी से लगाते हैं ड्रिफ्ट किट। ओ भाई भाई सच में बड़ी हो गई ये कार। अरे भाई साहब ये क्या मजाक चल रहा है भाई, ये देखो भाई मुझे यकीन। अरे बाप रे बाप, ये क्या हाथी बन गई, ये तो मेरा कैरेक्टर इतना छोटा लग रहा है गाड़ी के अंदर। अरे पोर्शे को देखो भाई, बच्चा लग रही इसके सामने भी, इतनी बड़ी गाड़ी इसकी। ओ भाई यार क्या ही ग्लिच है ये। गाइज ये वाला ग्लिच किस किस को पता था मुझे कमेंट में बताना भाई, अब तक का सबसे खतरनाक ग्लिच है गाइज ये। और न्यू वर्जन के अंदर तो इसको फिक्स कर दिया गया, लेकिन ओल्ड वर्जन में अभी भी वर्क करता है। एक सेकंड गाइज, मैं ना वो जो वैन लेके आया था ना कैंपर वाली, उसको बाहर निकालता हूँ और साइज कंपेरिजन करते है भाई कितनी बड़ी हो गई है। अरे बाप रे बाप, ये तो इसकी साइज की हो गई लगभग, ये देखो लंबाई में भी और ऊंचाई में भी लगभग सेम ही लग रही है यार। ओ माखी आंख भाई यार, ये क्या ग्लिच है यार, कैसे हो गया ये। ड्रिफ्ट किट लगाने से भाई कौन सी कार बड़ी होती है। बाकी गाइस इसमें बहुत ज्यादा मजा आया और ये वाला मिथ कंफर्म्ड है। मिथ, जंकयार्ड में जाइए और चारों तरफ जो स्टील के जेल मतलब जाली लगी है ना, वहां पर छिपकली की तरह, छिपकली भाई क्यों स्पाइडरमैन ही बोल देता भाई, छिपकली के तरीके से चिपक के रहिए और आगे बढ़ते रहिए, तब मैजिक होगा। चलो गाइज हम आ चुके हैं जंकयार्ड में और चिपकली की तरह चिपकना है, तो भाई अपन यहाँ से, चलो भाई ये वाली जाली से स्टार्ट करते हैं सबसे स्टार्टिंग। ओ भाई मैंने तो यहाँ पर जंप करी, ये क्या हुआ भाई, मैं इसके आर पार जा सकता हूँ, यही ग्लिच था क्या, यही मैजिक था क्या। एक सेकेंड, ये वाली जाली के नहीं, ये वाली जाली के नहीं जा पा रहा भाई। ओ भाई अगर मैं यहाँ पर चिपकली की तरह चिपक के चलूँ भी तो क्या मैजिक होगा यार, देखना पड़ेगा यहाँ पर। तो अभी तक तो कुछ भी नहीं हो रहा भाई, मैं पूरा चिपका हुआ हूँ अभी तक। और ओ भाई ये देखो, अच्छा मैं समझ गया, कुछ जाली ऐसी है जिनके हम आर पार जा सकते हैं। गाइज ये वाला यहाँ से ब्लॉक पड़ा है यार, ये वाली देखते हैं, नहीं इसके आर पार नहीं जा पा रहा। और इनके, व्हाट द हैक भाई, ये क्या चल रहा है भाई, जालियों के आर पार जा पा रहा हूँ मैं भाई, ये तो मजाक हो गया यहाँ पर भाई। इसके भी आर पार जा सकता हूँ, चार जालियों के आर पार चला गया मैं। एक काम करता हूँ, गाड़ी को लेके आते हैं और गाड़ी को भी आर पार करते, देखते हैं अपनी कौन सी जाली थी यार, ये वाली। ओके चलो भाई गाड़ी लेके आते हैं और गाड़ी को आर पार करते हैं गाइस। अगर गाइस गाड़ी आर पार हो गई ना, तो इसका एक बहुत ही अच्छा फायदा मैं आपको बताने वाला हूँ, कैसे आप इसे यूज कर सकते हो। तो सबसे पहली वाली जाली से निकालते हैं गाइस इसको, और भाई निकल जा प्लीज भाई यार, गाड़ी को भी आर पार लेके जा सकते हैं इंडियन बाइक ड्राइविंग की तरह, ये काफी सही है यार। और एक और कौन सी जाली थी, ये वाली थी ना आई थिंक, हाँ यही वाली होगी। ओके देखो इसमें भी जा पा रहे हैं, और एक और थी गाइज उसमें भी चेक कर लेते हैं, और मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा फिर। ट्रिक ये है, जैसे कि कोई आपने गाड़ी रिपेयरिंग में लगाई है और आप नेबरहुड से आ रहे हो, तो आप डायरेक्ट जालियों के थ्रू आ सकते हो, आपको इतना घूमना नहीं पड़ेगा। कैसे, चलो मैं आपको रिस्पॉन करके बताता हूँ। जैसे मैंने गाड़ी यहाँ पर रिस्पॉन करी, सामने मेरी गाड़ी एक रिपेयरिंग में है, तो उसके पास हमें जाना है, तो आप सिंपली यहाँ से घुसो, उसके बाद यहाँ से आ जाओ, बस आ गए रिपेयरिंग सेक्शन में। तो ये तो काफी मजेदार चीज है और ये नए अपडेट में ही वर्क कर रही है गाइज, 2.5 अपडेट के अंदर, पता नहीं 2.6 में फिक्स हो जाए, बाकी ये मिथ कंफर्म्ड है। लास्ट मिथ ब्रो, अगर आप कार मार्केट में कोई कार को अपनी कार से एक्सचेंज करना चाहते हो, तो उस जैसी कार को उस कार के अपोजिट में पार्क करके बात करो, फिर होगा मैजिक। तो भाई का कहने का मतलब ये है कि कार मार्केट में कोई अपनी कार को सेल कर रहा है, तो उसकी जैसी कोई कार लाके उसके सामने खड़ी करते हो, तो वो कार को एक्सचेंज कर लेगा। तो यहाँ पर अपने पास एक तो ये वाली पड़ी है, क्या नाम इसका, लॉर्ड मस्टैंग, ओके ओडी R8 भी है यहाँ पर। चलो भाई अपने पास ये दोनों कार पड़ी है, अब दोनों को जल्दी से ऑफिस से लेके आते हैं यहाँ पर और उनके अपोजिट में खड़ा करते हैं। ओके गाइज, मैं यहाँ पर लॉर्ड मस्टैंग और ओडी R8 को लेके आ चुका हूँ कार मार्केट में। अब गाइज यहाँ पर काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बिकॉज यहाँ पर कार एक्सचेंज होगी तो भाई मजा ही आ जाएगा। तो लॉर्ड मस्टैंग के एकदम अपोजिट में मुझे इस कार को लगाना है, चलो भाई एकदम ढंग से लगा देते हैं। चलो भाई अपना काम हो चुका है, अब जल्दी से गाइज इससे बात करते हैं और देखते हैं भाई ये कार को एक्सचेंज करेगा या फिर नहीं। लॉर्ड मस्टैंग एंड लॉर्ड मस्टैंग भाई, यहाँ पे बार्गेन लुक कार भाई, ये तो वही ऑप्शन आ रहे यार, नहीं यार एक्सचेंज का कोई भी ऑप्शन मुझे यहाँ पर दिख नहीं रहा यार, लुक कार में भी नहीं आ रहा, नहीं आ रहा गाइज यहाँ पे कोई भी एक्सचेंज का ऑप्शन, तो कार के ऑप्शन में भी नहीं आ रहा कुछ। और मैं अगर अपनी कार के ऊपर देखूँ तो कुछ आ रहा है क्या यहाँ पर, नहीं यार भाई कुछ भी ऑप्शन यहाँ पर मुझे नहीं दिख रहा है।
नहीं भाई यहाँ पर लॉर्ड मस्टैंग का तो नहीं आ रहा, चलो ओडी R8 का ट्राई करते हैं। चलो भाई ओडी को भी ओडी के अपोजिट में लगा दिया है, और यहाँ पर भाई सेम तो दिख रहा है, यहाँ पर कुछ चेंजेस तो मुझे दिख नहीं रहे। नहीं भाई एक्सचेंज का कोई भी ऑप्शन नहीं है यार, ये देखो कहीं पर भी एक्सचेंज का ऑप्शन नहीं आ रहा, जबकि मेरी वाली जो गाड़ी इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है कलर के मामले में, और एकदम साफ सुथरी कार है, थोड़ी सी डैमेज है बस, लेकिन एक्सचेंज का ऑप्शन नहीं आ रहा। एक काम करता हूँ ओडी R8 को मैं इस बंदे के अंदर ही घुसेड़ देता हूँ, फिर शायद ऑप्शन आ जाए। अरे भाई इसको तो कार के अंदर ही डाल दे, टॉक का भी ऑप्शन नहीं आ रहा। आया आया भाई कहाँ पर, ओके चलो भाई बता भाई कार से एक्सचेंज कर रहा है या फिर नहीं, वरना तुझे न्याज से बाहर फेंक दूंगा मैं। भाई नहीं आ रहा यार बिल्कुल भी ऑप्शन, ये वाला मिथ बस्ट है। तो यहाँ तक गाइस आपने वीडियो को देखा है तो डेफिनेटली आपको जरूर मजा आया होगा, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और प्यारे प्यारे कमेंट कर दो गाइस। जल्दी से अगली वीडियो में हम ट्राई करने वाले हैं वो सारे मिथ्स को। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड लव यू ऑल।